नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और ईवीएम को लेकर जो समस्या उत्पन्न थी, हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था उस पर भी सहमति लगभग बन गई है और अधिसूचना भी बहुत जल्द जारी हो जाएगी। नेशन 24 की टीम जो है बिहार के पूरे पंचायत के दौरे पर है और हर पंचायत में जाके वहाँ के समस्याओं को सुन रही है, जनता से मिल रही है, कागजी घोड़े कितने दौड़ाए गए हैं, कितने बिचौलियों ने काम किया है, इन सारे चीज़ों का समीक्षा कर रही है, देख रही है और लेखा जोखा ले रही है और जनता के बीच जाके उनके समस्या को भी सुन रही है, जान रही है। इसी क्रम में नेशन 24 अभी पहुँची है चक जलाल में, पंचायत है, प्रखंड भंडारक है, जिला पटना है और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया चंदेश्वर दास जी। आइए अभी हम इनसे बात करते हैं इनके पंचायत के बारे में, इन्होंने कितना विकास 5 साल में किया, क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा और कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा और विकास को कैसे बहा पाए इस बिहार में या सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ा पाए, इन सारे चीज़ों पर भी हम चर्चा और परचर्चा हम मुखिया जी से करेंगे और जानेंगे इस पंचायत का हाल मुखिया जी के जुबानी। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चकजलाल पंचायत में पहला कार्य हर गांव में गली नली बनवाए, पानी जल नल की योजना सब में करवाया 16 वार्ड में और कॉलोनी उलनी जो जहाँ तक हुआ पूरा किए हैं। मुख्यमंत्री जी का योजना था 7 निश्चय, जिसमें से 2 गो महत्वपूर्ण योजना था, एक जल नल योजना और एक गली नली सड़क योजना। तो जल नल योजना में पूरा 16 वार्ड में काम आपने किया या पीएचडी के माध्यम से भी हुआ? जी नहीं, सब हम अपने माध्यम से जल नल सारे अपने माध्यम से आपने किया करवाया। क्या स्थिति है अभी? अभी तो सब वार्ड में पानी पी रहा है और कोई कोई है कि टंकी यार नहीं बैठाया है लेकिन पैसा सब ले लिया है, दे दिए। गली नली सड़क जो बनना था वो पूरा कर लिया? सब पूरा कर लिया। जाके इंक्वायरी कर जी, हम आपके पंचायत में घूमे हैं, हमें कहीं दिखा है, कहीं कुछ कमी दिखी है जी। तो दिखता भी है, कमी भी दिखती है, ऐसा नहीं है कि पूरा दिखता है, सब कुछ सही है जी। अब हमारा सवाल अगला है कि इंदिरा आवास जो अभी प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो गया है, उसमें लिस्ट में कितने लोगों का नाम आया और आपने कितने लोगों तक वो पहुंचा पाए? नाम तो उतना हमारा याद नहीं है लेकिन जितना के इंदिरा आवास पास हुआ सबके हम दे दिए। किसी को कोई तरह के दिक्कत नहीं हम किए। इंदिरा आवास में एक बड़ा अजब सी चीज़ को देखने मिल रही है, अभी तक हम लगभग 50-60 पंचायत घूम चुके हैं और हर जगह एक दिक्कत हमको बहुत महत्वपूर्ण दिखी है, इंदिरा आवास के पैसों को लेना बिचौलियों के माध्यम से या किसी माध्यम से, तो क्या है ये पूरा कहानी? आपके पंचायत में भी ऐसा कुछ है क्या? पंचायत में ये सब कोई कहानी नहीं, जिसके खाता पर आया वो अपना पैसा निकाला, अपना काम किया। जांच किया आपने कि वो लोगों ने घर बनाया कि नहीं? हाँ, कोई नहीं बनाया है घर जी, ये लेकिन पैसा तो ले ही लिया है तो बनेबे न करेगा। पैसा तो ले ही लिया है तो बनाएगा ही, सही बात है, लेकिन यदि नहीं बनाता है तो फिर उसका क्या उपाय? तो उसका उपाय तो सरकार के पैसा है, सरकार अपना कार्रवाई करेगी सरकार जी। तो मुखिया होने के नाते पहल तो आपको करना होगा, देखना पड़ेगा क्यों नहीं बनाया। हाँ, क्यों नहीं बनाया वो तो मुखिया जाके कहबे न करेगा जी कि काहे नहीं बनाया जी। अब वो कहता है कोई कि बना रहे हैं, कोई कुछ करके अपन टाल रहा, लेकिन बनाना तो है ये है, नहीं बनवेगा तो सरकार छोड़ेगा तो नहीं। हर पंचायत में आप दौरा कर रहे होंगे, लोगों से भी मिलते होंगे, लोग आपके पास भी आते होंगे, तो कैसा स्नेह और प्यार है आपके प्रति यहाँ के पंचायत के लोगों का? वो तो जनते समझेगा सर, वो तो हम जनता के दिल के बात तो हम नहीं कह सकते, हम जो कर्म किया है वही न कह सकते हैं। अब जनता वो कर्म से खुश है ना खुश है, विरोधी तो हर जी जगह ये है, तो वो विरोधी समझे या जनता अपना काम
जो देखेगा वो विचार करेगा। अब हम बात करते हैं शौचालय का। स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का निर्माण हर घर होना था। चूँकि आपको पता है कि हम लोग बाहर शौच के लिए, जो हमारे गांव परिवेश के लोग जो जाते हैं बाहर शौच के लिए, तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, थोड़ा शर्म भी महसूस होता है, लोगों को भी दिक्कतें होती है। इसके लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय लाए, जो कि घर घर शौचालय का। तो शौचालय पर कितने लोगों को मिल पाया आपके पंचायत? शौचालय हमारे पंचायत में नहीं अभी तक हुआ है। नहीं हुआ है जी? नहीं, वो हम झूठ बोल नहीं, सही बात है। क्या कारण रहा? कारण तो अब जनता अपना जो कुल लिया वो साथे बना लेता तो बढ़िया था, लेकिन नहीं कर पाया था, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी। आप तो कोशिश कर सकते हैं, आप पहल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, किसी तरह के पैसा के दिक्कतदारी में पहल कर सकते हैं, क्या करेंगे। मनरेगा के तहत कितना काम करता है? मनरेगा के काम तो हर जगह अलंग फलंग के काम हो ये गया है, जहाँ जितना एस्टिमेट बना एस्टिमेट के मुताबिक कोई काम बाकी तो नहीं है। कितना आवंटन हुआ था ये कुछ पता है? उतना याद नहीं है। चलिए, याद नहीं है सर को, काम करने वाले लोग पैसों को ध्यान नहीं देते हैं, उनको याद नहीं है, पर ये अपने काम को मनरेगा के तहत शौचालय कार्य को लेके, इंदिरा आवास को लेके, सारी चीज़ों पे लेके काम किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा स्वास्थ्य में के तो बहाली उहाली के लिए हवा हुआ जी, स्पोर्ट पर को बहाली हमारे पंचायत में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र तो ये है वो खजरार में है, तो हॉस्पिटल ढोह ढांडमन होल है, डॉक्टर कंपाउंडर पैसा अपन बैठल ले रहा है। मतलब बुरी स्थिति है जी हाँ। वो में कोई हालांकि एमएल साहब के यहाँ भी हम पहल किए हैं, दिए हैं कि कम से कम हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनवा दीजिए, तो वो अभी तक नहीं बना हॉस्पिटल। चुनाव नज़दीक आ गया, अधिसूचना जारी होने वाला है, कौन कौन से मुद्दा को लेकर जनता के बीच जाइएगा इस बार के चुनाव में? जनता के बीच में तो गलिये नली पुनल जल यही सब जो काम विकास करवाया वही सब मुद्दा को लेकर जाइएगा। अब हम मुखिया जी पे वार करने वाले हैं, मतलब मेरा एक सवाल बहुत कठोर होने वाला है। सवाल ये है कि क्या पंचायत में मुखिया जी के द्वारा कार्य करने के लिए जो योजनाएं आती है, जो फंड आता है, उसमें अफसरशाही के साथ भी कुछ तालमेल बैठता है क्या पैसों का लेके? ये सब नहीं, हमारे पंचायत में तो कहीं कुछ नहीं। आपके पंचायत में ऐसा कुछ भी नहीं है? हमारे से समझ में तो नहीं है कि जो फंड आया उस फंड अपन ले के काम कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उस पर निगरानी हो रहा, करो 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 का निगरानी हो रहा है जी। हम भी समझते हैं जी, वो पॉइंट को हम भी समझते हैं जी। कमीशन का खेल है क्या जी? कमीशन जी नहीं, वो सब कोई कमीशनर के कोई खेल फेल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा काम है जो फंड है उसको हुआ दे देना है, अब वो अपन करे अथवा नहीं करे वो तो बाद में सरकार सही, सरकार की बातें हैं, सरकार ही समझती है बेहतर जी, और सरकार ही जानती है कि कैसे काम होना है जी। और बीडीओ साहब, सीओ साहब और जेई साहब जानते हैं कि कैसे काम लेना है, लेना। ये सारा खेल है कागजों का जिस पे चलता है। चलिए अंतिम सवाल, जनता से क्या संदेश देंगे अपने पंचायत को लेके? अब मेरे टीवी के माध्यम से अपने जनता को क्या संदेश देंगे? जनता तो अपना जो विकास हुआ है वही बात देखते हुए वोट करे और फिर हाँ, से मुखिया बनाए जी। तो अभी चंद्रशेखर दास जी चक जलाल पंचायत से थे, मुखिया हैं,
इनसे अभी हमने बात की, बहुत बेबाकी ढंग से हमने बात की, और बुज़ुर्ग हैं इसलिए थोड़ा धीमे बोले हैं, और लेकिन सारी बातें उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमारे सर प्रस्तुत किया, सब बातें की। मुखिया जी के वार पे जो मेरा सवाल काफ़ी कठोर था, पर उसका भी उन्होंने बेहतर जवाब दिया है, और थोड़ा मुस्कुराए हैं, यानी कि कागजों के खेल है ये, हम भी समझते हैं, मुखिया जी समझते हैं, सरकार भी समझती है कि कैसे क्या होता है। खैर, चुनाव नज़दीक है, चुनाव में जाएंगे मुखिया जी भी प्रत्याशी बनके और जनता से वोट मांगेंगे, क्योंकि इनका दावा और वादा है हमारे टीवी के माध्यम से कि हमने पंचायत में काम किया है, गली नली सड़क बनाए हैं, जल नल योजना पे सारा काम किया है, इन सारे चीज़ों पे काम करते हुए ही हम जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं, और जनता को भी तय करना है कि हम वोट देके चुनाव में जिताते हैं, मुखिया बनाते हैं, फिर तो ये नई बातें, नई आगाज करेंगे विकास की और नई बयार बहाएंगे विकास की। आप देख रहे नेशन 24, नमस्कार।